रतलाम जिले में अवैध रूप से व्यवसाय करने वालों पर प्रशासन द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी के चलते जावरा वन विभाग की टीम ने अवैध रूप से लकड़ी का कारोबार करने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जावरा वन विभाग ने जावरा से खाचरोद की ओर जा रही एक गाड़ी को रोककर कार्रवाई की, जिसमें जांच के दौरान जली हुई करीब 100 क्विंटल लकड़ियां पाई गई। टीम ने गाड़ी जब्त कर 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इस दौरान वन क्षेत्र के असिस्टेंट रेंजर ऑफिसर कमल देवड़ा ने बताया कि ऐसे आरोपियों पर कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी। ये एक वाहन जिसके नंबर थे MP09GF0591, जिसमें कि अवैध रूप से जला हुआ लकड़ी भरी हुई थी, जो कि जावरा से खाचरोद जा रही थी, जिसे वन स्टाफ के गश्ती के दौरान उनको देखा गया और पकड़ के यहाँ पे लाया गया। लगभग कितनी लकड़ी होगी, कितने कीमत की होगी, कितने आरोपी हुए इसमें? इसमें 3 आरोपी हैं और लगभग 100 क्विंटल जला हुआ लकड़ी। JSR टाइम्स के लिए रतलाम से कीर्ति वर्रा की रिपोर्ट।